हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आज को नई वीडियो लेके गया। आज को मैं जॉर्जो पोल में, और गाइस बहुत सारी स्कोर्स आ रही हैं, तो गाइस जल्दी से उतरते हैं, गन वगैरह लूटते हैं, फिर निपटाते हैं बंदों को। तो यहाँ पे कुछ नेते बंदे भाग रहे थे भाई, इनको निपटाता हूँ जल्दी से पहले। तो और गाइस लैज ग्रैब बहुत तगड़ी चीज है भाई जोर जो वालों के लिए। तो इस वाली स्क्वाड को मैं निपटा देता हूँ। बेचारे मतलब हिम्मत नहीं हारते, यहाँ पे रिवाइव करने की सोच रहा था, ये नहीं कि भाग के कहीं गन वगैरह ले ले, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं निपटा देता हूँ इन्हें। और फिर थोड़ा लूट वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी इतनी अच्छी खासी लूट नहीं है मेरे को कि मैं स्क्वाड रश कर दूं। मतलब अगर उन पर अच्छी गन हुई तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो अभी पहले थोड़ा सा लूट लेते हैं, फिर चलते हैं बंदों की तरफ। तो इस वीडियो में बढ़ने से पहले आपको ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम वन एक्स बैट। ये वेबसाइट बार्सिलोना, लिवरपूल, चेल्सी, बहुत सारी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम के साथ पार्टनरशिप में है। तो इस ऐप में साइन अप करने के लिए आपको सिंपली अपनी कंट्री, करेंसी और मेरा प्रोमो कोड डालना पड़ेगा, जो कि एमआरएक्स हिंदी गेमिंग। इससे क्या होगा, जब आप अपना पहला डिपॉजिट करोगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है, आप इसके मेन्यू में जाओ, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का सेक्शन मिलेगा, आप उस पर दबाओ, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा नॉलेज है, आप उसे सिलेक्ट करके उसमें बैटिंग करके अच्छा खासा प्राइस जीत सकते हो। और इसमें गाइस स्पोर्ट्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आपका इंटरेस्ट भी बैटिंग में है तो यार जरूर से 1x बैट को ट्राई करना। तो यहाँ पे यार एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, और एक बंदे का किल किसी और ने ले लिया, मतलब वैसे मेरा नहीं था वो किल। तो अब जल्दी से रश करते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे गाइस दो स्क्वाड की लड़ाई हो रही थी, मैं आता हूँ थोड़े थोड़े किल दोनों की तरफ से लेता हूँ और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस आ चुके हैं पोचिंग की में, और भाई बोर्ड दादा हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं, तो भाई इन्हें निपटाते जल्दी से। और ये बंदा फुल बूट में था मेरे को मारने के लिए, मतलब सड़क के बीच में खड़ा हो गया बिना कवर के, लेकिन मैं निपटाते हैं जल्दी से, पकड़ते हैं मतलब। और भाई सप्रेसर के साथ एक एम गजब ही है यार कसम से। तो यहाँ पे इनके दो बंदे डाउन पड़े थे, और अब पता नहीं और कितने बंदे हैं। और एक बंदा यहाँ से झाक रहा था, जो कि भैया मेरे को मारने के लिए हार्ड स्कोप करके बैठ गया था, लेकिन मैं निपटा देते हैं इसे। और लास्ट वाला बंदा भैया इधर टीपी पे लेने लगा था, सोच रहा था कि भाई उधर से बंदा मार रहा है, लेकिन मैं इधर से घूम के आ गया था इतने में, तो भाई कर देते हैं इन्हें खत्म। और गाइस इन बंदों ने मेरे लिए ड्रॉप मंगाई, और भाई पोचिंग की वालों के तो मजे आ गए, मतलब ड्रॉप मिल गया फोगट के, मतलब ट्री जो है इसकी वजह से। तो थोड़ा सा लूट लेते हैं गाइस। और गाइस मेरे को एक बात बताओ कि भाई दूसरों की ड्रॉप लूटने में ज्यादा मजा आता है या फिर अपनी लूटने में, ठीक है नीचे कमेंट करके बताना जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे जो क्लच होने वाला है ना भाई, उसे देखने के बाद तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे जल्दी से। तो भैया बग्गी फोड़ दी गई हमारी, और जानबूझ के मैं गेट खोलता हूँ कि भाई फोड़ लो, मुझे पता था फोड़ेगा जरूर किसी ना किसी बंदे में चुल मस्ती है गेट फोड़ने की। चार बंदे मेरे को झाक रहे हैं, और मैं ऐसा तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि एक एक गोली अगर चारों की भी लग गई तो मैं खत्म हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मोक करते हैं और फिर निपटाते हैं बंदों को। तो पहले वाले बंदे ने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई मैं नहीं बचने वाला, मतलब बिल्कुल एक जगह सुन हो गया था, लेकिन दूसरे वाले बंदे में थोड़ी सी हिम्मत थी, लेकिन भाई दोनों को निपटाते हैं। और इनके और बंदे जो थे भाई वो पीछे से कवर फायर दे देते, लेकिन यहाँ पे जो स्मोक कर देता उसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो क्या पता वो डीपी वाला मेरे को ले जाता। तो भाई यहाँ पे तुमने देखा भाई स्मोक बहुत काम की चीज है कसम से, मतलब कभी भी तुम वॉल बना सकते हो, मतलब आर पार गोली तो लग जाएंगी, लेकिन जब बंदों को पोजीशन नहीं पता होगा तो भाई कैसे लगेंगी मतलब गोलियां। तो फिर भी आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे थोड़ी लूट वगैरह करेंगे और इतने में दो बंदे मेरे पे रश कर देंगे, तो भाई देखो कैसे निपटाते हैं उन्हें भी। तो भाई ये बंदे कर रहे हैं कैंप ब्रोकन वॉल के पीछे, और मेरे को एक जगह पता है जहां से भैया इनकी टपली दिखेगी प्यारी प्यारी से दोनों की। तो गाइस मजा आए तो भाई लाइक ठोको, और गाइस सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, 900 के फैमिली होने वाली है हमारी यूट्यूब पे। तो गाइस अब बारी दूसरे गेम प्ले की, और भाई इस वाले गेम प्ले में मतलब जो क्लच है ना वो बहुत लंबा खींचेगा, मतलब तुम देखते जाओ। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा भाई, अगर लंबा क्लच खींच जाए ना, जोन वगैरह भी आ जाए और बंदे जाने का नाम ना ले रहे हो और तुम्हें भी ना निकलने दे रहे हो, तो कैसे सीन करना है, क्या सीन करना है, मतलब सब बता दूंगा तुम्हें, तो बस देखते जाओ। तो एक बंदा भैया पीछे से एम लेने लग रहा था, तो जल्दी से नीचे कूद के भैया भाग जाता हूँ यहाँ से, नहीं तो वो निपटाए था मेरे को। तो इसका टीममेट मर चुका है, तो इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, सीधा रश करेगा मेरे ऊपर। तो ये बंदा यहाँ पे टीपी प्लेयर था कि जैसे मैं निकलूंगा एकदम मार देगा, लेकिन भाई देख लेता हूँ मैं इसे। और ये बंदा भैया बम फेंकता मेरे ऊपर, इसके पीछे खड़ा होगा शायद बम ही कुक कर रहा था, मतलब मेरे पे फेंकने के लिए, लेकिन मैं बच जाता हूँ, इसको जल्दी से हिट देता हूँ, तो पीछे भाग जाता है, इसका एम बिगड़ जाता है पूरा नेड का। तो भाई जहाँ पे मेरे पास इतनी अच्छी खासी लूट नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं सर्वाइव कर लूंगा, तो बस देखते जाओ तुम। और ये बंदा भैया हार्ड स्कोप करके बैठा था, बस क्राउच एंड शूट जान बचा लेता है मेरी। भैया जी कुछ भूले गए थे क्या? तो ये बंदा भाई पूरे कॉन्फिडेंस में आता है कि भाई जैसे तो आज खत्म ही करते हैं मतलब सबको, लेकिन भाई खत्म कर देते हैं सही। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी लूट वगैरह कर रहे थे, और भाई ये फोग वाला वेदर आ चुका है जो कि बहुत बुरा है कसम से। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई पबजी वालों ने सोचा क्या था भाई इस वाले वेदर को लाने के लिए, मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई, मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगता है। और ये बेचारा क्राउच करके बैठा था, तो इसकी सारी गोलियां भाई इसमें लग गए मतलब नीचे। और यहाँ पे VSS वाला बंदा साइड से मारता, और भाई VSS वालों से मतलब पुरानी दुश्मनी अपनी, इन्होंने कई बार मारा है, मतलब टावर वावर पर चढ़ के बैठ जाएंगे मजे में भाई VSS मिलते ही, और फिर ऊपर से निपटाते रहेंगे भाई सबको, पता भी नहीं चलता भाई कहाँ से मार रहे हैं गोली। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास इतनी अच्छी खासी लूट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बैंडेज वैंडेज लगा तो थोड़ा पीछे आता हूँ मतलब अलग से। और यहाँ पे गाइस तुम नोट करना मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक बंदे को मार रहा हूँ और भाई गायब हो रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक साथ फाइट नहीं ले रहा सबसे, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़े वाली। तो इन्हें क्या कर रहा हूँ मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, इनसे फाइट लेंगे अलग अलग। तो भाई ये बंदे मेरे से परेशान हो चुके हैं और भाई मेरे पे रश करने लगते हैं, तो भाई देखो कैसे निपटाते हैं। और बंदा भाई खाई चुका था, बस बच गया मैं कैसे भी। और यहाँ पे गाइस मेरे पास हीलिंग नहीं है, तो भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं यहाँ पे, मतलब दो गोली झेलने लायक हो गया मैं, फिर देखते हैं इन बंदों को। वैसे अभी एक ही गोली का था, लेकिन भाई चूल्हे में चली थी कसम से इस बंदे को मारने की, तो निपटाते हैं इसे। और फिर से थोड़ा पीछे आ जाएंगे, थोड़ा मतलब कवर लेंगे आराम से, मतलब हीलिंग वगैरह होने देंगे अपनी, और फिर देखते हैं भाई लास्ट वाले बंदे को। जो कि भैया यहाँ पे कूदा फांदी कर रहा है मतलब इस वाले कंटेनर पे, क्योंकि मैं बहुत देर से मतलब इसे चक्कर कटा रहा था यहाँ पे, तो तंग होकर बेचारा ऊपर ही कूदने लगता है, लेकिन भाई कर देते हैं इसे खत्म। तो भाई कैसे लगे क्लच जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, और भाई लाइक ठोको जल्दी से अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से भाई, 1 मिलियन की रोड चल रही है हमारी, तो भाई जल्दी से शामिल हो जाए हमारा आर्मी में जो पहले से हो रखे हैं भाई, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हां गाइस 1xbet को चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।